प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों से उनके कामकाज का हिसाब मांगा है। मोदी की ओर से सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने सभी मंत्रियों को चिट्ठी लिखी है। एक ओर जहां मोदी सरकार अपने 3 साल के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं, तो उधर यूपी की योगी सरकार अच्छी सरकार का एजेंडा तय करने में जुटी है। दोनों सरकारों के कामकाज पर जी न्यूज बराबर रिपोर्टिंग पेश कर रहा है। मोदी सरकार के काम से लेकर योगी सरकार के एजेंडे तक जी न्यूज की कवरेज जारी है। दोनों सरकारों की रिपोर्ट पूरी पुष्टि के साथ जी न्यूज पर आपको दिखाया जा रहा है। मे आई नाउ रिक्वेस्ट द टू प्राइम मिनिस्टर्स टू स्टेप डाउन। कूटनीति के एक्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चुटिला अंदाज ये बताने को काफी है कि किस आत्मविश्वास से वो सरकार चला रहे हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी को अच्छे दिन लाने का मैंडेट मिला और इसीलिए हर दिन सरकार के सुपर एक्शन का दिन हो, इसकी गारंटी लेना पीएम मोदी की ख्वाहिश भी है और जरूरत भी। और अब जब मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने वाले हैं, तो अब मंत्रियों से कामकाज का हिसाब मांगा जा रहा है। मोदी सरकार ने सभी मंत्रियों को अपने अपने मंत्रालयों की 5 बड़ी उपलब्धियां बताने को कहा है, जिससे लोगों का भला हुआ, मंत्रियों को अहम सुधार और बीजेपी सरकार आने के बाद हुई तरक्की का तुलनात्मक आंकड़ा पेश करने को कहा गया है। सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने इसी हफ्ते मंत्रियों को चिट्ठी लिखकर सारे आंकड़े और उपलब्धियों का लेखा जोखा उन्हें सौंपने को कहा है। Modi going on in the country. Modi means not Narendra Modi ji. MODI, making of developed India, that is the mission wherein all of us has to join together. Desh bhar mein mission chal raha hai ek tarah ka. Usi mission mein aap log bhi bhag rahe hain. Today also is bringing changes. Sab kaam sarkar karega, hum bekar baithe to chalega. Ye bhavana bhi chalega nahi, Narendra Modi ji usko swikar karega. Everyone has to participate. वेंकैया नायडू की चिट्ठी में मंत्रियों से मंत्रालयों के कामकाज का ब्यौरा 3 पेज में बुलेट फॉर्म में बताने को कहा गया है, जिसमें 5 पहलुओं का जिक्र किया जाना जरूरी होगा। पहला, मंत्रालय के 5 बड़े काम। दूसरा, मंत्रालय के अहम परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तीसरा, मंत्रालय के फ्लैगशिप योजनाओं का तुलनात्मक आंकड़ा, मसलन 2014 में कितने LPG कनेक्शन थे और अब कितने हैं। चौथा, नीति, काम करने का तरीका, योजनाओं आदि के 3 सुधार। और पांचवा, 1 पैराग्राफ में 2 बड़ी सफलताएं। मंत्रियों की इस रिपोर्ट कार्ड को सरकार एक बुकलेट के तौर पर प्रकाशित करेगी। मंत्रियों को लिखी वेंकैया नायडू की चिट्ठी में कहा गया है कि हमें टीम मोदी का सदस्य होने पर गर्व है। अब तक नजरअंदाज किए गए लाखों लोगों की किस्मत बदलने के लिए जिनके अथक प्रयासों के नतीजे अब दिखने लगे हैं। एक ओर मोदी सरकार देश में नए बदलाव लाने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर यूपी में बनी योगी सरकार भी मोदी के विजन को राज्य में लागू करने का दम भर रही है। रविवार को दिल्ली आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने CM बनने के बाद PM मोदी से दूसरी बार मुलाकात की। लगभग 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में सूत्रों के मुताबिक योगी ने यूपी में विकास को लेकर शुरू किए गए काम की जानकारी PM को दी। किसान कर्ज माफी और गन्ना किसानों के लिए यूपी सरकार की घोषणा की भी जानकारी दी। आगे सरकार के कामकाज का खाका क्या रहेगा, ये भी योगी ने मोदी को बताया। मोदी और योगी का अभी का एक्शन 2019 के लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका अदा करेगा। मोदी सरकार शुरू से अपने कामकाज का हर ब्यौरा जनता के बीच पहुंचाने के लिए अपने मंत्रियों और सांसदों को कहती रही है। 21 मार्च को भी वेंकैया नायडू ने सभी मंत्रियों और वरिष्ठ बीजेपी नेताओं को चिट्ठी लिखकर सरकार के काम से आए सकारात्मक बदलाव को लोगों को बताने को कहा है। मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर सिर्फ मंत्रालयों के कामकाज का ब्यौरा नहीं रखा जाएगा, बल्कि कुछ अलग अलग क्षेत्रों में कामकाज का नोट भी तैयार किया जाएगा। विदेश राज्य मंत्री MJ अकबर प्रधानमंत्री के विदेश दौरों के नतीजे और बढ़े विदेशी निवेश की जानकारी देंगे। सांसद स्वप्न दास गुप्ता और चंदन मित्रा बौद्धिक बहस और नकारात्मक प्रचार को लेकर भी एक नोट तैयार करेंगे। जाहिर है कि सरकार न सिर्फ काम करती दिखना चाहती है, बल्कि उस काम के दम पर राजनीति का रोड मैप भी तय कर लेना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, Zee Media।